एफआरएस पोर्टल पर हाजिरी बनाने सहित अन्य मांगों के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों का पांचवा दिन हड़ताल जारी। तीघवा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तीघड़ा बेगूसराय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुमंडलीय अस्पताल एवं तीघड़ा के विभिन्न CHC में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने सोमवार से कार्य का बहिष्कार कर अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल के पांचवें दिन भी अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर में धरना पर डटे रहे। तख्ती लिए बैठे कर्मी FRAS पोर्टल पर हाजिरी बनाने का विरोध जता रहे थे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर दिखना आरंभ हो गया है, जिससे वेलनेस एक्टिविटी जैसे कई कार्यों एवं अभियानों पर प्रतिकूल असर दिखने लगा है। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने मांग पत्र के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पहले दिन ही दे दी गई है। इस दौरान सभी NHM कर्मी को नियमित करो, दोहरी नीति व FRSS बंद करो, समान काम का समान वेतन लागू करो, स्वास्थ्य केंद्र पर बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करो। CHO भारती कुमारी ने बताया कि FRAS पोर्टल के माध्यम से दिन में 3 बार हाजिरी बनाना होता है। कई बार ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन हाजिरी बनाने में परेशानी होती है। यह नया नियम सिर्फ संविदा कर्मियों के लिए लागू किया गया है। CHO अवनीश कुमार ने बताया कि हम लोगों को नियमित रूप से वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, 4 महीना से वेतन लंबित है। बीते 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण लोगों के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गया है। मांग पत्र में FRAS प्रणाली सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू करने, समान कार्य के बदले समान वेतन देने, नियमित रूप से वेतन का भुगतान करने, सभी NHM कर्मियों की सेवा नियमित करने, क्षेत्र में भ्रमण कर कार्य करने वाली महिला कर्मियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्य अवधि पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक करने आदि शामिल है। मौके पर CHO पल्लवी कुमारी, कुनीता कुमारी, बबली कुमारी, ENMR सुषमा कुमारी, माला कुमारी, माधुरी कुमारी सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। SWC पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो हम लोग को चाहिए। हम लोग की बहुत सारे मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे स्वच्छ पानी, बाथरूम, बैठने के लिए व्यवस्था, वो सब कुछ नहीं है। ना ही लाइट, नेट का व्यवस्था ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोग 9 से 5 बैठे बैठ सकते हैं। बट हम लोग को जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उसको आप उपलब्ध करवा दीजिए, हम बैठेंगे 9 से 5। और समान काम का समान वेतन हमको देना चाहिए लोग को। NHM करती है, मेरा नाम सुषमा कुमारी, NMR SWC पंखा। हम लोग NHM कर्मी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं। हम लोग से काम ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन हम लोग का जो काम जितना लिया जाता है उसके बराबर का हम लोग को पेमेंट नहीं किया जाता है। हम लोग का जो अस्थाई में स्टाफ है उनसे ज़्यादा शोषित होते हैं हम लोग। कोई भी काम आता है, कोई भी प्रोग्राम आता है, तो सबसे पहले HWC पे ही होगा कि हाँ CHO करेंगे, NMR करेंगे। जो अस्थाई स्टाफ है उनसे ज़्यादा ओवरलोड नहीं है, फिर भी हम लोग का जो वेतन है बहुत कम है। इसलिए हम लोग का मुख्य मेन जो मांग है हम लोगों की, वो है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। समान काम है तो समान वेतन मिले। 22 तारीख से अपने पर बैठे हुए हैं CHO NMR, तो 25 बैठे हुए हैं। मेरा मुख्य काम, हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि व्यवस्था सही रूप से हमारे HWC पे किया जाए, जिससे कि हम लोग तरीका से काम कर पाए। 9 से 5 हम लोग अटेंडेंस लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास मूलभूत सुविधाएँ हैं नहीं, जिसके कारण हम लोग FRAS का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि एक ही सेंटर पे दोहरी नीति अपनाई जा रही है।